अर्ली मॉर्निंग व्लॉग रिपोर्टिंग। सुबह सुबह का वक्त है, अभी कुछ सुबह के बज रहे थे 7। अलैना जाने वाली है स्कूल, और स्कूल जाने से पहले ना उन्हें बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो लिफ्ट में भी खड़े खड़े वो सोई रही थी। तो मैं ना उन्हें नीचे ड्रॉप करने जा रही थी, क्योंकि ना वैन बहुत जल्दी आ जा रही है। पहले 7:10 तक आ जाती थी, अब 7 o'clock शार्प 7 o'clock तक वो आ जाती है। अगर 1-2 मिनट भी लेट हुआ तो वो वैन उसे छोड़ कर चले जाती है। तो इसीलिए हम अच्छे बच्चे की तरह शार्प ऑन टाइम होते हैं। मेरी पॉजिटिव फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आप सबकी दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बहुत अच्छे हैं, एकदम फिट एंड फाइन हैं। सॉरी, बड़े दिनों से मैं कोई सा भी व्लॉग नहीं डाल पा रही थी, मन ही नहीं हो रहा था। एक्चुअली बताओ, करने को दिखाने को बहुत कुछ था पर मन नहीं कर रहा था कि व्लॉग बनाऊं। अच्छा खैर, आते हैं अभी पॉइंट पर। मैं ना किचन में आई हुई थी और मैंने क्या देखा, मैंने देखा एक छोटा सा कॉकरोच आया हुआ है। आई हेट कॉकरोचेस, आई नो कोई भी कॉकरोचेस को प्यार नहीं करते होंगे, लेकिन अभी पता नहीं वो कहाँ से आ गया। इस घर पे आए हुए ना मैं 4 साल हो गए हैं, और अलीजा यहाँ पे दिख रही है ना, तो इस घर पे आए हुए ना मैं 4 साल हो गए हैं, और 4 साल में अभी तक एक बार भी कॉकरोच नहीं आया। हालांकि हमने पेस्ट कंट्रोल ऑलरेडी 2 बार कराया हुआ है, फिर भी नहीं आया था। अब तो एक छोटा सा कॉकरोच दिख रहा है, अब उसको मारना बहुत जरूरी है। अगर इसको इग्नोर कर दूंगी ना, वो 1 के 100 कब हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो खैर देखते हैं कहाँ पर है, चलिए आज एक मर्डर किया जाए। तो मैं आज कॉकरोच को मार कर ही रहूंगी, क्योंकि मुझे बड़ी बेचैनी हो रही है। जब तक मैं उसे ढूंढ ना लूँ या स्प्रे अच्छे से कर ना लूँ, एक है मतलब 2-3 भी होंगे अंदर। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो जी, यहाँ पर है ना, मैंने पूरे पहले थोड़े बर्तन वगैरह जो निकाल दिए थे, जहाँ पर भी मुझे लगा कि यहाँ से कॉकरोच आने के चांसेस है, तो है ना मैंने वहाँ पे ऑलरेडी स्प्रे कर दिया था। और अंदर के बहुत डीप क्लीनिंग में कराती ही रहती हूँ घर पे बुलाकर, तो लेकिन फिर भी ना पता नहीं कॉकरोच कहाँ से आ गया यार। उसका टेंशन में मैं बताऊँ, इतनी स्ट्रेस हो गई थी मुझे, तो मैं ना जहाँ से भी मुझे लगा कि कहीं पर भी छोटा सा होल है वहाँ पर है ना पहले स्प्रे कर देती हूँ। तो मैंने सारे ड्रॉवर्स वगैरह निकाल दिए, हर एक कोने में मैंने इतनी लिटरली अच्छे से स्प्रे किया है, मैं आपसे क्या ही बताऊं। क्योंकि ना कॉकरोचेस बहुत सारे इन्फेक्शन अपने साथ लेकर आते हैं, और जब इन्फेक्शन यानी कि बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि ऑलरेडी घर पे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, और अगर एक है कॉकरोचेस तो उसको फैलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसके लिए ना मैं कोशिश ये कर रही थी कि हर जगह इतने अच्छे से स्प्रे कर दूँ, ताकि ना अगर 1 या 2 भी होंगे तो वो मर जाए और नेक्स्ट टाइम आए ना, तो ना मैं बहुत अच्छे से कोने कोने पर जहाँ भी मुझे लगे कि यहाँ से कॉकरोच आ रहा है बहुत अच्छे से स्प्रे कर दे रही थी। मैं जब भी सोचती हूँ ना कि आज कुछ काम नहीं करूँगी या सिर्फ रेस्ट करूँगी, उस दिन कुछ ना कुछ बड़ा काम निकल कर आ जाता है। वैसे ही किचन का, किचन में आप सोचिए कुछ भी सामान निकालना है तो कितना वक्त लग जाता है, फिर भी मैं जैसे तैसे करके अकेले मैनेज करके ना मैंने बहुत अच्छे से हर जगह स्प्रे कर दिया। अच्छा, स्प्रे करने के बाद ना मैं एकदम से पोंछती नहीं हूँ, हाफ एन आवर ना सब ड्रॉवर्स को अच्छे से बंद कर दिया, ताकि जो गैस होती है ना हम स्प्रे लगाते हैं वो बहुत स्ट्रांग होती है, और कॉकरोच जिसके लिए ना बहुत ज़्यादा अगर वो गैस इनहेल करते तो बहुत जल्दी मर जाते हैं। तो मैंने ना सब जो स्प्रे लगाया था उसके बाद ड्रॉवर्स को कर दिया था 1-1.5 घंटे के लिए बंद, और उसके बाद है ना मैं किचन में खुद भी नहीं गई, क्योंकि ना बहुत स्ट्रांग स्मेल होती है यार, मैं खुद बेयर नहीं कर सकती थी। तो मैं ना 1.5 घंटे 1 घंटे के लिए किचन गई ही नहीं, सब ड्रॉवर्स को बंद कर दिया। तो देखिए, बस मैंने स्प्रे किया तो ही वही वाला कॉकरोच था जो मेरे नज़र में आया। हालांकि मैंने एक ही कॉकरोच देखा था, इससे ज़्यादा नहीं देखा था। अब मुझे पता नहीं ये वही वाला कॉकरोच जो अभी मिला है या वो पहले वाला जो मैंने देखा था। तो खैर वो तो मिल गया था, फिर भी मैंने कोशिश की कि हर एक जगह स्प्रे कर दूँ, उसके बाद ही ना मुझे कोई कॉकरोचेस दिखे नहीं। तो जी, स्प्रे तो मैंने बहुत अच्छे से कर दिया है, होपफुली वो कॉकरोच मर जाए, और उम्मीद है कि 1 से ज़्यादा ना हो। ऐसे अगर होंगे तो भी मर जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से हर जगह स्प्रे कर दिया है, पोच भी दिया है। अब बाकी का सामान अलीजा को खिला कर करती हूँ। तो शाम को ना हमारा डेंटल का अपॉइंटमेंट भी है अलैना अलीजा के लिए, कुछ नहीं नॉर्मल चेकअप है, क्योंकि हर महीने में हम जाकर एक बार चेक करा ही लेते हैं सेफ साइड के लिए। तो आज शाम में वही है, वहाँ पर जाएंगे। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रही है। अच्छा, यहाँ पर है ना सुबह सुबह ही मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं घर को बहुत अच्छे से क्लीन कर दूँ। सुबह का वक्त ना बहुत अच्छी हल्की सी धूप आई होती है, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं पहले सब कर्टन्स हटाकर है ना अच्छे से पूरा धूप घर पे आने दूँ, क्योंकि ना सुबह का धूप है कहते कि विटामिन डी के लिए बहुत अच्छा है, और अभी तक तो दुबई का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा अच्छा हो रखा है और इतनी तगड़ी गर्मी भी नहीं है। तो मैं सुबह सुबह विंडोज़ कर्टन सब खोल देती हूँ। ये हॉल का है, मैंने रूम का भी खोल दिया था, रूम का मैं ज़्यादा नहीं ली क्योंकि वहाँ पर अलीजा को मैं सुला कर आई थी।
अलीज़ा 7 o'clock उठने के बाद ना एक आधा घंटा खेलते हैं, उसके बाद फिर दूसरा वाला नैप लेते हैं। आधे घंटे से ज़्यादा वो जागती नहीं है सुबह, तो है ना उसके बाद वो नैप ले रही थी। तब तक है ना मैं काम निपटा ले रही थी, और यहाँ पर है ना अलीज़ा अपनी सेकंड नैप लेकर उठ गई थी। अब ये वक्त होता है यहाँ पर है ना उन्हें ब्रेकफास्ट चाहिए ही, और मेरी भी कोशिश रहती है कि मैं जल्दी उन्हें ना ब्रेकफास्ट करा दूँ। अभी कुछ 9:30 का वक्त हो रहा था। कभी कभी ना अलीज़ा 10 बजे तक भी सोती हैं, और कभी कभी उससे जल्दी उठ जाती। तो आज है ना पता नहीं इन्हें क्या हो रखा था, बता तो रही थी कि टम्मी दुख रहा है तो फिर है ना जल्दी उठ गई। तो मैंने ना जल्दी से पहले घर का जो डस्टिंग वगैरह काम होता है ना हल्का फल्का वो कर लेती हूँ, ताकि बाद में ना ईजी हो जाए। अलीज़ा उठती है ना हर 2 घंटे के दरमियान मुझे उनको खिलाने का, थोड़ा बहुत घर को सफाई करते ही रहना पड़ता है, क्योंकि अभी आप देखिए नीचे उन्होंने पूरा क्रेयॉन्स फैला कर रख दिया है। क्रेयॉन्स जो भी मिलता है वो पूरा हॉल पूरा फैला देते हैं, तो इसके लिए ना हर 2 घंटे में झाड़ू क्लीनिंग करती ही रहती हूँ। मैं आपसे क्या ही बताऊँ, जिस दिन मैं बोल रही हूँ ना काम, हम सोचते हैं कि लेडीज़ आज मैं रेस्ट करूँगी, उस दिन काम नहीं चाहते हुए भी निकल कर आ जाता है। तो खैर यहाँ पर है ना मैं अपना जो भी सुबह का काम है वो सब निपटा रही थी। अभी हो क्या रहा है पता है, अलैना ना स्कूल चली जाती है, बहुत वक्त से अलैना बेड रेस्ट पे थी, तो है ना अलीज़ा को अच्छी खासी कंपनी मिल जा रही थी, तो अलीज़ा एंजॉय कर रही थी अपना सारा कुछ उनके साथ खेलना, मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं रहती थी। अब जब से अलैना ना स्कूल जाना स्टार्ट करी अलीज़ा बिल्कुल ही लोनली हो गई है, तो ना वो सारा टाइम मुझसे अटैच होती है। अच्छा यहाँ पर है ना मैं ये कोशिश करती हूँ कि अलीज़ा ना मिनिमम 2 ग्लास पानी पी, क्योंकि अभी वो 2 साल की ही है, तो है ना मैं उनका वाटर इनटेक सिर्फ अलीज़ा का नहीं अलैना का भी, क्योंकि ना वाटर इनटेक करना बच्चों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे खेलते कूदते हैं और पानी ना अच्छे से पीते नहीं, इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाते हैं। मेरी कोशिश यही थी कि मैं हर घंटे है ना कोशिश करूँ कि भले ही वो थोड़ा पिए, पर उनका अलीज़ा का 2 ग्लास का हिसाब मैंने रखा ही है, और वो कंटिन्यू मैंने पिलाती रहती हूँ। खेल कूद में बच्चे पी लेना तो थोड़ी मन को शांति रहती है, ऐसे मैं खाने का भी कोशिश कर रही हूँ, तो यहाँ पर वही मैं पानी वगैरह पिला रही थी। अब है ना बच्चों के बीच में ऐसा होता है कि हम अपने आप को टाइम ही नहीं दे पाते, तो मैंने ये कोशिश कह रहा है कि अब से है ना मैं अपने आप के लिए भी टाइम निकालूंगी। इस वक्त है ना कभी मैं सेल्फ केयर कर लेती हूँ या व्लॉग्स देख लेती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं व्लॉग्स ही देख रही होती हूँ। आजकल ना मैं बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हूँ फुकरा इंसान ट्रिगर्ड इंसान और डिंपल मलहन के व्लॉग से। तो अभी मैंने जिसका आपको ना टीवी पे व्लॉग दिखाया वो है फुकरा इंसान ट्रिगर्ड इंसान, इन लोगों से मैं इतनी एडिक्टेड हो गई हूँ, स्पेशली इनके व्लॉग से, डिंपल आंटी के व्लॉग से। आई लव दे व्लॉग। जनरली वॉइस की व्लॉगिंग मुझे इतनी खास पसंद नहीं आती, क्योंकि वो बहुत वॉइस टाइप की होती है, पर ये वाला जो है ना मैं कभी भी मिस नहीं करती हूँ। अब तो मैं एकदम मतलब कॉन्स्टेंटली उनको इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, हर जगह फॉलो कर रही हूँ, मतलब बेस्ट है यार। अच्छा मेरे बालों को अवॉइड करिएगा, गीले में उठते ही वो कॉकरोच वाला सीन हो गया जैसे कि आप लोगों ने देखा। उसके बाद से ना मुझे बिल्कुल भी एयर ड्राई करने का मौका ही नहीं मिला। अभी अलीज़ा को खिला रही हूँ, खिलाने के बाद ही कुछ अपना करूँगी। तक आप भी तक अलैना भी आ जाएंगी, तो अलैना को खिला पिला के सुला कर ही कुछ अपना करूँगी। तो अभी मैं थोड़े बहुत व्लॉग्स एंजॉय करके। अच्छा वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हमारी डेंटल की अपॉइंटमेंट है अलैना अलीज़ा की, और अलैना का ना रूटीन चेकअप भी है। तो वो अलैना को ना पैर, जिस पैर में ऑपरेशन होता उसी पैर में ना इन्फेक्शन सा हो गया है, मतलब ऑपरेशन वाला पैर में नेल्स के पास कुछ इन्फेक्शन हो गया, तो हमें वही कंसल्ट करना था डॉक्टर से। तो जो डेंटल हॉस्पिटल है और अलैना का जो रूटीन चेकअप हम जिसके पास कराते हैं वो आसपास ही है, मतलब नेक्स्ट आपस में ही नेक्स्ट डोर है, तो हम लोग वहाँ पर चले गए थे। तो मेरे घर के ना बहुत पास ही हॉस्पिटल है, मॉल्स है बहुत पास, मतलब हार्डली 2 या 3 मिनट्स का डिस्टेंस में ही सारा कुछ है। तो वहाँ पर है ना एक वेजिटेबल मार्केट जैसा है, वहाँ पर है ना बहुत सारे पिजन्स कट्टा हुए थे, तो अलैना अलीज़ा का बहुत मन था कि वहाँ पर खेले, तो हम लोग हॉस्पिटल विजिट जाकर आ गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ नॉर्मल है, और जो इन्फेक्शन उनको नेल्स के पास हुई है ना डॉक्टर ने कहा है 10 डेज़ हम देखेंगे, उसके बाद फिर जो मेडिसिन वगैरह देना है उसको चेंज करके आके देखेंगे कि क्या होता है। तो खैर अभी तो अलैना का ना जो इन्फेक्शन हुआ है वो कम है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर है ना बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करे थे पीजन्स के, हम लास्ट टाइम ना इतना सारा पीजन्स देखे थे मदीना में और मक्का में, क्योंकि यहाँ पर यूएई में मैंने इतने सारा पीजन एक साथ तो देखा ही नहीं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है और हम खुद बाहर ही नहीं निकलते सच कहूँ तो। यहाँ पर खैर बहुत एंजॉय किया, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्लाइमेट भी बहुत अच्छा था, बच्चे एंजॉय करे थे, मेरे लिए मेरे बच्चे एंजॉय करे तो यानी मैं एंजॉय करी, क्योंकि ना मैं बच्चों को ऐसे ना बाहर आउटडोर बहुत ही कम करते हैं, ज़्यादातर तो हम लोग यहीं मॉल्स वगैरह ही चले जाते हैं, और नेचर तो बच्चे एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते। तो क्लाइमेट तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा हो रखा है, पूरा ईयर अगर ऐसा रहेगा ना तो यूएई का मैं क्या ही बताऊँ।
खैर यहाँ पर है ना घर के सामने ही बीच था, तो हम बीच आ गए थे। यहाँ पर हॉर्स राइडिंग वगैरह, जेट स्की वगैरह वो सब चल रहा था, बहुत अच्छा एंजॉय किया। चाय वगैरह हमने बाहर से ही ले ली थी कैफेटेरिया से, और बच्चों को हमने एंजॉय कराया। बस उस दिन है ना शाम तक हम बाहर ही रहे, शाम के बाद हम घर चले गए थे क्योंकि अलैना को होमवर्क वगैरह भी कराना होता है, क्योंकि बहुत टाइम से ना अलैना का स्टडी से गैप हो गया, तो उनका ना जो पढ़ाई से और राइटिंग से ना थोड़ा सा वो स्लो हो गई हैं। तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि उन्हें थोड़ा सा ना बैक टू नॉर्मल लाइफ लाऊं। खैर उस दिन यही थी व्लॉग, और हमारे घर के सामने ना ये कैंप में ना मॉस्किटो का कुछ स्प्रे कर रहे थे। यही थी वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।